लोहरदगा जिले में बालू का अवैध उत्खनन जोरों से चल रहा है, जिसे लेकर कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। जिले के सेना थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगना पुल के समीप से सेना थाना पुलिस लोहरदगा एसपी आर राम कुमार के निर्देश पर अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया है। सेना थाना पुलिस द्वारा लगातार अवैध बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टरों को जब्त कर रही है। थाना प्रभारी ऋषिकांत शर्मा की अगुवाई में नवम्बर में अवैध बालू उत्खनन कर रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है, जिससे बालू माफियाओं में भय का माहौल देखा जा रहा है। इस तरह से अवैध उत्खनन पर कार्रवाई से कहीं न कहीं अवैध खनन पर रोक लगाने की संभावना जताई जा रही है। सेना थाना प्रभारी ऋषिकांत शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है और आगे भी कार्रवाई लगातार की जाएगी, जिससे अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सेना थाना के द्वारा अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी तक इस मंथ 4 गाड़ी पर कार्रवाई की जा चुकी है और अवैध उत्खनन के खिलाफ और गाड़ियों को भी हम लोग चिन्हित करके लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं। लोहरदगा से न्यूज विंग के लिए प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, हलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।